सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सॉरी यार, जो आज का वीडियो थोड़ा सा देरी से आ रहा है बिकॉज मैं काफी ज्यादा बिजी था ऑफिस में। आज अपने कामों में मौका मिला नहीं कि भैया इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओ, लेकिन दोस्तों खैर यहाँ पे वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। और हम बात करते हैं सबसे पहले पुराने पोल की, जब सवाल ये था कि क्या आपको चाहिए थोड़ा सा क्रेजी डिजाइन अपने मोबाइल फोन्स में या फिर आपको चाहिए भैया सिंपल स्मार्टफोन। तो आप में से बोला 85% ने कि भैया कुछ डिफरेंट हो तो मजा आ जाए, और बाकी बोलते हैं नहीं भाई सिंपल ही काफी बढ़िया है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपसे है कुछ इस बारे में कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमको जितने भी गैजेट्स देखने को मिल रहे हैं आजकल, काफी कॉमन हो गया है कि आपको उसमें नाम में कहीं ना कहीं प्रो छुपा हुआ मिल जाए। तो क्या आपको लगता है कि आजकल ये जो प्रो 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 है ये कुछ ज्यादा ही हो गया है? बताइए जरूर क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में। और सारी बातों को ऐसे मिलाते हुए, अपने प्यार की ताकत को ऐसे ही थोड़ा सा फैलाते हुए बड़े आराम से बस दबा ही दीजिए लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर, निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी एक्स कवर फील्ड प्रो को लेके। और यहाँ पर दोस्तों ये जो गैलेक्सी एक्स कवर फील्ड प्रो है ये एक स्मार्टफोन सैमसंग ने अनवील किया है, जो कि है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर कहूँ तो फील्ड एजेंट्स या फिर दोस्तों फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए। और यहाँ पे ये काफ़ी रगेड स्मार्टफोन है जो कि बेस्ड है काफ़ी हद तक गैलेक्सी S9 के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी मजबूत सा ही फ़ोन है, मतलब कुछ भी हो जाए भैया फ़ोन को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इमरजेंसी कंडीशंस में इस फ़ोन को काफ़ी आसानी से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे एप्पल के आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो को लेके। और यहाँ पर दोस्तों अभी जो है वो लेटेस्ट iOS में मालूम ये चला है कि स्मार्ट बैटरी केसेस शायद हमको देखने को मिलेंगे अभी आईफोन 11 और 11 प्रो के लिए भी। अब प्रो मैक्स के लिए होगा कि नहीं भैया वो खैर एक अलग बात है, लेकिन ऑल्दो भी जो नए वाले आईफोन्स हैं उनकी बैटरी अपने आप में काफी अच्छी है ऑलरेडी, अभी उसके ऊपर से वो मोटा सा बैटरी केस खैर कौन लगाएगा, मुझे तो पसंद नहीं है। देखते हैं कि एप्पल इसको ऑफिशियली अनवील करता है या नहीं। दोस्तों बात करें अगले अपडेट को लेके, निकल के आता है यहाँ पे मकड़ी की आंखों से इंस्पायर्ड एक डेप्थ सेंसिंग सिस्टम को लेके, जहां पर दोस्तों ये काफी इफेक्टिव है और काफी एफिशिएंट भी है। और यहां पर दोस्तों इंस्पायर्ड है ये स्पाइडर की आंखों से, बिकॉज स्पाइडर दोस्तों जब जंप करती है तो ऐसे में जब अपने शिकार तक पहुंचती है तो काफी प्रिसाइजली उसकी डेप्थ का उसको अंदाजा होता है कि भैया कितना लंबा जंप लगाना है। तो उसी से कुछ इंस्पायर्ड है एक नया डेप्थ सेंसिंग सिस्टम, जिसके चलते शायद हमारे कुछ जो गैजेट्स हैं वो और बेहतरी से इसी काम को कर पाएंगे। दोस्तों बात करें अगले अपडेट को लेके, निकल के आता है यहाँ पे Uber Eats के डिलीवरी ड्रोन को लेके। ये एक डिजाइन अनवील किया है भैया Uber Eats ने, और ऐसे में दोस्तों बात कर रहे हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगी भैया इसकी टेक ऑफ एंड लैंडिंग बड़े आराम से, और ऐसे में काफी तेजी से जाएगा उड़ के खाने का ऑर्डर कंप्लीट करता हुआ। अभी ऐसे में ये जो ड्रोन है ये क्या हम इंडिया में देखेंगे डिलीवरी के लिए, वो खैर एक सोचने वाली बात है। दोस्तों बात करें अगले अपडेट को लेके, निकल के आता है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने दोस्तों किया है कोलैब कोवा रोबोट के साथ में। ऐसे भैया लेके आ गए एक स्मार्ट लगेज, मतलब एक दोस्तों ऐसा छोटा सूटकेस है जो काफी आराम से आपको ट्रैक करेगा भैया एयरपोर्ट्स पे, आपके पीछे पीछे अपने आप ही चलेगा दाएं बाएं होता हुआ, और ऐसे में आपको उसको पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये काफी कमाल सूटकेस है जो कि काफी इंटेलिजेंट स्मार्ट सूटकेस है। कीमत है करीब 2000 युआन, यानी करीब करीब 20,000 रुपए के आसपास। देखते हैं कि ये मार्केट में कब तक आता है, और ऐसे में मैं खैर जरूर कोशिश करूंगा इसको ट्राई करने की बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत करता हूं, और अगर बैग मेरे पीछे पीछे अपने आप चलता रहे तो इससे बढ़िया और क्या होगा। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर, निकल के आता है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में गूगल फेसबुक और ट्विटर को लेकर। और ऐसे में भैया उनसे गुजारिश की गई है कि जो फेक न्यूज है उसको कॉम्बैट करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स की जरूरत है, तो भैया थोड़ा सा और अच्छे से काम कीजिए ताकि जो फेक न्यूज है उसको हम थोड़ा और बेहतर काबू में कर पाए। दोस्तों बात करें अगले अपडेट को लेकर, निकल के आता है यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक को लेके। अगर आप दोस्तों यूज करते हैं यूट्यूब म्यूजिक को तो भैया एक डेडिकेटेड विजिट आ गया है, अगर आप काम लेना चाहें अपने होम स्क्रीन पे छोटे विजिट को तो वो भी आप यूट्यूब म्यूजिक के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, इसके चलते जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। या दोस्तों बात करें अगली खबर को लेकर, तो Xiaomi का एक स्मार्ट बेड साइड लैम्प 2 जो है वो इंडिया में आ गया है क्राउड फंडिंग के जरिए। और ऐसे में अगर 2000 ऑर्डर्स मिल गए Xiaomi को तो Xiaomi उसको इंडिया में लॉन्च
भी कर देगा। जो कीमत है दोस्तों वो है इसकी 2299 rupees, और ऐसे में इसमें आप स्मार्ट तरीके से अपने वॉइस के हिसाब से भी कंट्रोल इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। और इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कलर टेम्परेचर आपको मिलने वाले हैं, और एक साइड लैम्प, एक साइड टेबल के लिए एक नाइट लैम्प मैं कहूंगा, और ऐसे में ये थोड़ा सा वार्म भी हो सकता है या कूल भी हो सकता है, जो कि आता है Xiaomi की तरफ से 2300 रुपए में। चीज तो खैर ठीक ही है दोस्तों। बात करें अगले प्रोडक्ट लेके निकल के आता है यहाँ पे PUBG को लेके, और यहाँ पर दोस्तों काफी और इम्प्रूव किए गए हैं भैया, अपग्रेड किया गया है एंटी चीट सिस्टम PUBG में, जिसके चलते भैया जो भी लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, उनकी स्मार्टनेस को साइड में रख के उनके अकाउंट के साथ में पता नहीं क्या क्या किया जाएगा PUBG की तरफ से। तो मतलब ऐसे में जो चीटिंग है गेम में उसको काबू करने के लिए एक नया सिस्टम सामने लेके आए हैं, जिसके बाद में आप गेम को और काफी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ में एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। बात करें अगले अपडेट को लेके निकल के आता है यहाँ पे Xiaomi की वॉच को लेके, डिजाइन भैया रिवील किया है, और यहाँ पे भैया हमको मिलने वाला है GPS, सेलुलर और NFC वेरिएंट। लेकिन देख के लगता है ब्रांडर में कि यार मतलब अगर एप्पल वॉच को इतना ही कॉपी करना था तो इतना टाइम क्यों लगाया। एप्पल वॉच तो पता नहीं कब से मार्केट में है, साइड में यार वही डिजिटल क्राउन, वही साइड बटन, तो मतलब अभी खैर ये एक फर्स्ट लुक है ऑफिशियली Xiaomi की तरफ से। देखते हैं क्या मिल जाती है डिटेल्स हमको इसी वॉच को लेके दोस्तों। बात करें अगले अपडेट के बारे में तो भैया Xiaomi की खबरें आज तो फैल फैल के आ रही हैं, जहां जो Mi CC9 Pro था वो 108 मेगापिक्सल वाला फोन नहीं है भैया। Xiaomi बोलता है उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया दोस्तों, इसमें तो होगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा, कुछ डिटेल्स निकल के आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो Mi Note 10 है वो दोस्तों होने वाला है कैमरा फोन 108 मेगापिक्सल वाला, जो कि होगा दुनिया का पहला फोन 108 मेगापिक्सल के साथ में, जहां पे होगा पेंटा कैमरा। अभी ये वर्ल्ड्स फर्स्ट पेंटा कैमरा तो खैर नहीं कहेंगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट 108 मेगापिक्सल पेंटा कैमरा कह सकते हैं। अभी देखते हैं कि ये जो है ये अपने साथ में क्या कुछ नया लेके आता है दोस्तों। बात करें अगले अपडेट की निकल के आता है यहाँ पे गूगल के लेटेस्ट फोन को लेके, जो कि है एक पेपर फोन, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिजिटल वेलबींग की। गूगल भी इस चीज़ को काफी अच्छे से समझता है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे लोग जो है वो दिन भर बस लगे पड़े अपने मोबाइल फोन से भैया कुछ 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 करने के लिए, तो ऐसे में गूगल जो है वो लेके आता है एक लेटेस्ट फोन, जो कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसको देखिए निहारिए सूंघिए जो करना है कीजिए, थोड़ा सा अपने फोन से कट ऑफ रहेंगे तो शायद सेहत जो है थोड़ी सी और बेहतर होगी, गूगल का ऐसा ही कुछ मानना है दोस्तों। बात करते हैं लास्ट अपडेट को लेके, एक बार वापस आपसे बात कर रहा हूँ प्रो के बारे में, और यहाँ पर दोस्तों एयरपॉड्स प्रो जो है वो एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं। आपको मिल जाएगी इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो कल, क्योंकि आज शाम को काफी लेट हो जाता, यहाँ पर रखे नहीं वरना कुछ दिखाया जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो लेटेस्ट एयरपॉड्स प्रो हैं ये आते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में, जहाँ पे एक फोर्स आपको बटन मिल जाता है जहाँ पे आप उसको अच्छे से और कंट्रोल भी कर पाएंगे। काफी दोस्तों आपको डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलता है, और ऐसे जिनकी इंडिया में कीमत है वो है 24,900 रुपये। कल आप अनबॉक्सिंग देखिएगा तब आप थोड़ा सा और बेहतर जान पाएंगे इन्हीं नए एयरपॉड्स प्रो के बारे में दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो अपने जीवन करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।